ये हीरो हमारे साथ हमेशा रहता है। अक्सर जब किसी को हीरो मुश्किल से निकालता है, उसकी मुश्किल खत्म कर देता है, तो फिल्म के पर्दे पर हम देखते हैं दी एंड लिखा हुआ आ जाता है। साईं के साथ ऐसा नहीं होता। साईं जब हमारी कोई मुश्किल दूर करता है तो हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है, साईं से मोहब्बत का। हम सिर्फ धूप बत्ती चढ़ाने वाले, नारियल चढ़ाने वाले, हार चढ़ाने वाले भक्त नहीं रह जाते। इन सब के बाद जो सारी चीजें हैं उनकी महत्ता गौण हो जाती है। इश्क साईं से, मोहब्बत और इबादत में कोई फर्क नहीं होता। जो मोहब्बत और इबादत में फर्क करता है वो इंसान नहीं होता। साईं से मोहब्बत, श्री साईं अमृत कथा का वो अमृत है जो आप आज से महसूस करना शुरू करेंगे, परसों जरूर उसको पा करके ही यहां से उठेंगे। बाबा के जयकारे में अगला शब्द आता है राजाधिराज, राजाओं का भी राजा। इसलिए नहीं कि वो दुनिया का राजा है, वो दुनिया का राजा तो है ही। ये सारी जमीन, ये सारा आसमान सब उस साईं का है। ये पानी, ये हवा, ये सब कुछ उसका है। सवेरे का सूरज उगता है तो साईं के चेहरे पर, साईं के माथे पर शोभायमान हो जाता है। जब साईं मुकुट पहनते हैं तो बड़े से बड़ा महाराजा साईं के सामने उनके चरणों में झुकने पर अपनी शान समझता है। बड़े से बड़ा दंभी अहंकारी व्यक्ति साईं के चरणों में जा सिमटता है। साईं खुद फकीर थे। फकीर दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन साईं फकीर होने के बावजूद दरिद्र नहीं थे, क्योंकि दरिद्रता उनका प्रारब्ध नहीं थी, उनका नसीब नहीं थी। दरिद्रता उन्होंने ओढ़ रखी थी। ये उनकी इच्छा थी कि वो दरिद्रता का जीवन जिए। जो व्यक्ति इच्छित रूप से दरिद्रता को ओढ़ लेता है, दुनिया का कोई भी गम, दुख, तकलीफ उस व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं कर सकती। दुख आएगा, वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, दुख महसूस नहीं करेगा। उसके पास अपने परमात्मा का वो अभेद कवच होता है जो उसने ओढ़ रखा होता है। साईं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते थे, लगभग 1910-11 के बाद की बात है। उसके पहले तो वो पूर्णतः भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे। साईं भिक्षा मांगते, दक्षिणा मांगते। किसी ने उनसे कहा कि साईनाथ तुम संत हो, लोग तुम्हारे दर्शन करने आते हैं, तुम दक्षिणा मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
साईं ने कहा मैं उनसे दक्षिणा लेता हूं, उनको उनके पापों से, दुखों से, मेरे पुराने ऋणानुबंध से मुक्त कर देता हूं, और यह मेरी मजबूरी है कि मैं जिससे एक लेता हूं मुझे उसको 10 वापस करने पड़ते। कभी भी देने का मौका आए ना तो पीछे मत हटना। साईं ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में से उठकर के आएंगे आपके पास मांगने। साईं किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रंग में आ सकते हैं, कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। ये जो बाहर बहुत सारे श्वानों के भौंकने की आवाज आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं बाबा की बात सुनकर आह्लादित हो रहे हैं। जीवन को हमेशा उजली दृष्टि से देखना चाहिए। हम लोग अक्सर अपने जीवन को बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जैसे कोई छोटा बच्चा होता है जिसका खान पान हमारे जिम्मे होता है, उसको हम खूब खिला देते हैं तो वो बच्चा मोटा तगड़ा हो जाता है। उसी तरह हमारे पास कोई गाय है, उसको हम बहुत सारा चारा खिलाते हैं तो वो बहुत रुष्ट पुष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे पास दो तरह के ख्याल आते हैं, अच्छे और बुरे। हमारे पास उन दोनों को आतिथ्य देने का चांस होता है, मौका रहता है। अब कोई मेहमान आपके घर आए, आप उसे बहुत प्यार से रखो, दिन रात उसकी सेवा शुशुषा करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो, उसके लिए कमरे में एयर कंडीशनर चला के रख दो, उसको ग्वालियर के दर्शनीय स्थल घुमाने ले जाओ, तो मेहमान अगर दो दिन का सोच करके आया होगा तो 4 दिन ठहर जाएगा। वैसे ही हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं। हम जिसको जितना मान देंगे, जितना आदर देंगे, जिस भाव को जितना वजन देंगे, जितनी महत्ता देंगे, जितना पोषित करेंगे, वो भाव बलिष्ठ होकर के हमारे जीवन में रुक जाएगा। अगर हमने नैराश्य के भाव को वजन दिया तो हमारा जीवन नैराश्य से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि हमने ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी को, आशावादी नजरिए को पोषण दिया तो वो भाव हमारे पास ठहर जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है, एक कहीं मैंने सुनी थी कि 4 दोस्तों ने ये तय कर लिया कि उनका एक दोस्त जो बहुत खुश रहता है उसको वो बीमार करके मानेंगे। तो वो जो भाई साहब खुश रहते थे, वो एक दिन सवेरे सवेरे उठे तो पहला दोस्त उनके यहां चाय के समय पहुंच गया। अरे यार क्या हालचाल है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसके पास बैठा और कहता है, अरे क्या बात है, रात को ठीक से सोए नहीं थे क्या? तो जो खुश खुशहाल रहने वाला दोस्त था वो कहता, क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक से सोया। नहीं, तुम्हारी आंखें थोड़ी चढ़ी हुई हैं और तभी ठीक नहीं लग रही तुम्हारी कुछ। ये कहकर वो चाय पी के चला गया। ये भाई साहब जो ठीक ठाक उठे थे, उनके मन में ये भाव आ गया कि यार, तो जाके उन्होंने आईने में शक्ल देखी तो उनको भी लगा कि ये तो मेरी आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी। खैर ऑफिस पहुंचने को थे, बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, दूसरा दोस्त बस स्टॉप पे मिल गया। अरे यार ये क्या है, तुम्हारे बाल वाल बिखरे हुए हैं और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इन भाई साहब को कुछ नहीं था, लेकिन अचानक सोच में पड़ गए कि ये मेरी तबीयत को क्या हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंचे, लंच टाइम हुआ, तीसरा दोस्त आया,
उसने टिफिन खोला, इन्होंने टिफिन खोला, इन भाई साहब के टिफिन में उनकी पत्नी ने बहुत चाव से बना के सब्जी और रोटी रखी हुई थी। और जो खुशहाल रहने वाला दोस्त था उनकी पत्नी ने उनमें खिचड़ी रखी हुई थी। अरे क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम टिफिन में खिचड़ी लाए हो? अब पत्नी ने तो इसलिए दी होगी, खिचड़ी बड़ा पौष्टिक आहार होता है। अब इनको लगा कि पत्नी को भी लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। शाम होते होते वो निढाल हो गया। घर पहुंचने से पहले उसका चौथा दोस्त मिल गया। स्कूटर पे आया, ये पैदल अपने बस स्टॉप से घर जा रहे थे। अरे यार तेरी चाल देख, तू कितना निढाल निढाल थका हुआ से चल रहा है, कितने दिनों से बीमार है तू। अब क्या हुआ, जब दिन में चार लोगों ने कह दिया तू बीमार है, शाम को गया घर पे तो वाकई में उसको बुखार आ गया था। ये विचार है, हम जिस विचार को जितना बल देते हैं वो उतना ही मजबूत होता जाता है। अपने सारे विचारों का ध्येय साईं को बना लो। मुश्किल कितनी भी बड़ी विकट क्यों ना हो, कितना भी खराब समय क्यों ना हो, इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ राजाधिराज साईं है। क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है, क्यों दुख करूं इस बात का कि वक्त ये दुखदाई है, मुझको खुशी इस बात की कि साथ मेरे साईं है। ये बोलो अपने आप से, बुरा वक्त भी चला जाएगा साईं ठहरने नहीं देगा। और बल्कि साईं क्यों नहीं ठहरने देगा, तुम्हारा जो विश्वास साईं में है वो किसी भी बुरे वक्त को ठहरने नहीं देगा। साईं पे यकीन तो करो, दुनिया में सबका राजा है। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बोर्ड लगा रहता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, वी ट्रीट ही क्योर्स। हम सिर्फ दवाई देते हैं, इलाज वही करता है। साईं में विश्वास रखना सीखो, वो दुनिया का राजा है, राजाधिराज है। मैं शिरडी जब बाबा बुलाते हैं तो चला जाता हूं। एक बात सीखी है, अगर उसकी मर्जी नहीं है ना तो किसी को अपने दर पे नहीं आने देता। एक हाजी सिद्दीक फालके का किस्सा आता है इस साईं सच्चरित्र में। कल्याण के रहने वाले थे, उस जमाने में करोड़ों पति थे। भाई साहब ने सच्चरित्र पढ़ी हुई है, हाजी सिद्दीक फालके हज यात्रा करके आए, बड़ा अभिमान हो गया था उनको हज यात्रा का। किसी ने कहा तो शिरडी आ गए बाबा के दर्शन करने, चावड़ी के नॉर्थ साइड में वो ठहरे रुके थे। बाबा के दर्शन करने आए, बाबा ने भगा दिया। अब करोड़पति सेठ थे तो थे, यहां तो अरबों 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 खरबों पति महाराज हमारे साईनाथ। नौ महीने वो शिरडी में रुका, कई बार कोशिश की, बाबा ने उसको चढ़ने नहीं दिया। फिर बाबा के मित्र जिन श्यामा का हम अभी जिक्र कर चुके थे, श्यामा को अप्रोच किया उन्होंने। श्यामा को बाबा का घनिष्ठ मित्र माना जाता है।
भक्ति के जो नौ प्रकार होते हैं उसमें एक प्रकार होता है मित्रता। श्यामा जो है वो बाबा के मित्र थे, जैसे धौल धप्पे से हम एक दूसरे से मित्रों से बात करते हैं, वैसे ही धौल धप्पे से अधिकार पूर्वक श्यामा बाबा से बात करते थे। और जिसका कोई काम नहीं होता था, बाबा के पास जाने का मौका नहीं मिल सकता था, बाबा से समय नहीं मिल सकता था, दर्शन की अनुज्ञा नहीं मिल सकती थी, वो सब के सब श्यामा के पास जाते और श्यामा जो है वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बाबा से उनको मिलवा देते। हाजी सिद्दीक फाल के श्यामा के पास गए, श्यामा ने बाबा से कहा, बाबा ने कहा, श्यामा मैं उसे नहीं रोक रहा हूं, ये जो मस्जिद है वो उसे चढ़ने नहीं दे रही, मैं क्या करूं। तो इसीलिए हम और आप, हाजी सिद्दीक फालके की बात हम जारी रखेंगे। एक छोटी सी बात अब ध्यान में आई है, बाबा ने कहलवाने का कहा है तो कह देता हूं आपसे कि हम और आप जो दंभ भरते हैं ना कि मैं शिरडी गया था, मैं शिरडी जा रहा हूं, मैं शिरडी जाऊंगा, ये कहना बंद कर दीजिए। यदि आपको शिरडी जाने की प्रेरणा हुई है तो साईं की मर्जी से हुई, उस प्रेरणा के बाद यदि आप जाने की योजना बनाते हैं तो साईं ही सारे साधन उपलब्ध कराता है, और यदि आप वहां पहुंच जाते हैं तो इसे अपनी महानता का ढिंढोरा बना करके दुनिया भर में मत पीटिए कि मैं बाबा के, मैं शिरडी गया था, ये कहिए मुझे साईं ने बुलाया था। ये दंभ भरने वाली बात नहीं है, वो साईं तो जो है ना वो अच्छे अच्छों को फटकार करके भगा देता था वहां से, और यदि उसने आपको बुलाया है तो अपने आप को परम भाग्यशाली मानिए कि उसने अपनी समाधि की सीढ़ियों पर आपको चढ़ने दिया है। तो हाजी सिद्दीक फालके से उनकी गुहार जब श्यामा ने बाबा को लगाई तो बाबा ने कहा कि मस्जिद नहीं चढ़ने देती, मैं क्या करूं। खैर अब तू कहता है तो जाओ उस हाजी से पूछा क्या वो बारहवें कुएं की पतली पगडंडी पर मुझे मिलने को तैयार है। सुनने में बात अटपटी लग सकती है लेकिन पतली पगडंडी है और कुआं है, कुआं हमारी प्यास बुझाता है, साईं के दर्शन हमारी प्यास बुझाते हैं, उन तक जाने का रास्ता पगडंडी है, सकरा है, कांटे भी होंगे। बाबा ने ये मैसेज संदेशा कहलवाया। हाजी ने कहा मैं बिल्कुल मिलने को तैयार। बाबा ने श्यामा से कहा कि ये पूछ के क्या मुझे चार किश्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है। हाजी सिद्दीक ने कहा 40,000 क्या मैं 40 लाख देने को तैयार। बाबा ने फिर कहलवाया मैं मस्जिद में बकरा हलाल करने वाला हूं, उस हाजी को क्या चाहिए, मांस, नाग या अंडकोश। हाजी के पास ये संदेशा पहुंचा तो हाजी ने कहलवाया बाबा से कहना उनके प्रसाद स्वरूप मुझे जो मिल जाएगा मैं ले लूंगा। श्यामा ने बाबा को आके बताया, बाबा का गुस्सा दनदनाते हुए गए उस हाजी के पास और कहा क्यों हाजी तुझे अपनी हज यात्रा का बहुत अभिमान हो गया है, तू ये समझता है कि तू यहां पे शिरडी में आएगा और सब कुछ तेरा चला जाएगा। और बहुत सारे अपशब्द उससे कहे। मूल सच्चरित्र ग्रंथ में तो लिखा है कि बाबा ने बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी दी उस हाजी को,
बाबा गालियां गालियां देते थे। बाबा का गुस्सा एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। क्या संत को गुस्सा करना शोभा देता है, यह भी एक प्रश्न उठता है। क्या हमने भगवान को कभी गुस्सा करते हुए देखा है, कभी भद्दी गालियां देते हुए सुना है, यह भी बात आती है। उसकी जिज्ञासा भी अगर आपकी है तो वो भी बाबा ने चाहा तो जरूर शांत होगी। उसको उसकी औकात का एहसास करा करके बाबा वापस आए। उन्होंने आम की पेटियां खरीदी और उस हाजी के लिए भिजवा दी। उसके बाद बाबा ने उसको मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत दे दी। बाबा, जब तक के आपको आपकी हैसियत का अंदाजा नहीं करा देते, तब तक वो आपको अपने पास नहीं आने देते। अगर आपके मन में दंभ है, अहंकार है पैसों का, पद का, प्रतिष्ठा का, तो ये सब आपके आड़े आएंगे। एक छोटा निश्चल निष्कपट बच्चा बनकर के आपको बाबा के पास जाना हो तो बाबा दोनों हाथ से आपको अपने आगोश में ले लेंगे, नहीं तो आपको पास नहीं आने देंगे। आप यहां पे अगरबत्तियां चढ़ाते रह जाएंगे, नारियल फोड़ते रह जाएंगे, साईं से पाएंगे लेकिन साईं को नहीं पा पाएंगे कभी भी। साईं चाहिए तो सारे आवरण छोड़ करके बाबा की शरण में जाना होगा। न पैसे का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, राजाधिराज। साईं जो दक्षिणा लेते थे वो सबको खूब बांटते थे। खुद तो क्या पहनते थे, एक फटी कफनी जो काशीराम शिंपी उनके लिए सिल देता था, उसके भी पैसे देते थे बाबा, उसको मुफ्त में नहीं लेते थे। और उस कफनी में जगह जगह छेद हो जाते थे, तब तक उसको पहने रहते थे जब तक के तात्या बलपूर्वक लाड़ में उन छेदों में अपनी उंगली डाल करके उसको फाड़ नहीं देता था उस कफनी को, कि वो पहनने लायक हालत में ना रहे। बाबा जो दक्षिणा के पैसे लेते थे उससे धूनी की लकड़ियां मोल लेते थे। शिरडी में आज जो आप शनि मंदिर, महादेव मंदिर, गणपति मंदिर, अष्टलक्ष्मी मंदिर, आसपास के जो मंदिर आप देखते हैं, वो सारे तब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। बाबा ने सबको उन पैसों से सुधरवाया। तात्या को पैसे देते थे, लक्ष्मीबाई शिंदे को देह त्याग करते समय बाबा ने 9 रुपए दिए। जमली नाम की एक महिला बच्ची थी उसको देते थे। बड़े बाबा नाम के एक सज्जन थे उनको बाबा लगातार पैसे देते थे। इन सब का घर खर्च बाबा की दानता से, दीनता से, उनकी दानशीलता से चलता था। शाम को बाबा के पास कुछ नहीं रहता था। दिन भर में शायद सैकड़ों हजारों रुपए उनके पास आ जाते होंगे, लेकिन शाम को कुछ नहीं रहता था बाबा के पास। साईं का दिल शाहो जैसा भेस फकीरों वाला। साई का दिल शाहो जैसा भेस फकीरों वाला, साई का दिल शाहो जैसा भेस फकीरों वाला, जल से दीप जलाने वाला, ये है संत निराला, ये है संत निराला। साईं के गुण गान से गूंजे ये बस्ती धाम, शिरडी साई।
नाथ का धाम, शिरडी साई नाथ का धाम। इस पावन धरती पर मेरा साई करे विश्राम, विश्वास लिए जो साई द्वार आए, श्रद्धार विश्वास लिए जो साई द्वार आए, बिन बोले खुल जाते हैं द्वार दया के, यहाँ सवेरे शाम शिरडी साई नाथ का धाम, शिरडी पावन धरती पर मेरा साई करे विश्राम, शिरडी साई नाथ का धाम, शिरडी साई नाथ का धाम। साई बाबा, शिरडी वाले साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, सबके दाता साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा। राजाधिराज योगीराज, अगला शब्द आता है। अब हम लोग योग को क्या समझते हैं? माफ करिएगा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ योग की परिभाषा बदल गई है। कुछ तो भी आड़ी टेढ़ी शारीरिक मुद्राएं जब हम बना लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने योग कर लिया। योग कुछ तो भी
शारीरिक मुद्राएं बनाने से नहीं होता है। अगर हम कुछ पीछे जाएं, वेदों में जाएं, समझने की कोशिश करें, तो योग का जो परिभाषा जो योग की दी हुई है वो है चित्त वृत्ति निरोध, यानि ऐसा बर्ताव जो चित्त की वृत्ति यानि मन के भटकाव को रोक दे। और योग कभी अकेला शारीरिक नहीं होता, इट इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये संतुलन जब हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम योगी हैं। जब हमारा मन छोटी छोटी बातों पर भटकना बंद कर दे तो हम कह सकते हैं हम योगी हैं। हमें डायबिटीज ना हो लेकिन रसगुल्ले अगर बहुत पसंद हैं और हमने अपने मन की इच्छा कि हमें रसगुल्ले खाने हैं उस पर नियंत्रण कर लिया तो हम योगी हो गए। मेरे पड़ोसी ने शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा लगा दिया और उसने 4 के 8 कर लिए और मैं उस लालच में अपनी सीमितताओं को समझते हुए बह ना जाऊं तो वो योग है। मेरी पत्नी अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर ले और मैं उसके साथ अपनी आवाज ऊंची करने का कंपटीशन ना करने लगूं तो मैं योगी हूं। किसी ने मुझे गाली बक दी और मैं सामने उसको गाली ना बकूं तो मैं योगी हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको साईं के योगीराज स्वरूप को समझने में मदद करती हैं। योगीराज साईं को कहा जाता था, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले हम शारीरिक कारणों की बात कर लें। साईं विभिन्न यौगिक क्रियाओं के माहिर थे। समाधि जिसमें आज वो हैं वो योग की परम अवस्था है, चरम अवस्था है। योग के जो अष्टांग सिद्धि योग की हम बात करते हैं अंत में उसके समाधि ही आता है। समाधि में समय ठहर जाता है, जब और तब की जगह अब हो जाता है, जगह ठहर जाती है, जहां और तहां की जगह यहां हो जाता है। ओवरकम टाइम एंड ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज नाउ, ओवरकम स्पेस एंड ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज हियर, इट इज हियर एंड नाउ। समाधि जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब अभी यहीं पर होते हैं और इसीलिए बाबा चलते फिरते समाधि में रहते थे। किसी के भी त्रिकाल स्वरूप को वो बराबर बता देते थे कि वो आदमी पहले क्या था, अभी क्या है और आगे आने वाले समय में क्या होगा। ये समाधि अवस्था जो बाबा चलते फिरते ओढ़े रहते थे उस समाधि अवस्था का परिणाम है। साईं बाबा एक पतले, एक हथेली चौड़े और 3.5 हाथ लंबे पटले पर सोते थे जो उनको नाना साहब नेंगले के छोटे भाई काका साहब नेंगले ने संतान प्राप्ति पर बाबा को उपहार स्वरूप दिया, क्योंकि बाबा मस्जिद में बारिश के दिनों में फर्श नहीं था तो उसमें कीचड़ में सोते थे। तो बाबा ने भी उस पे करामात ये की कि उस पतले पटले को द्वारका माई मस्जिद में ऊपर लटका दिया चिंदियों से बांध कर और उसके चारों कोनों पर एक एक दीपक जला करके उस पे सोते थे। बाबा उस पे चढ़ते कैसे थे, उससे उतरते कैसे थे, ये किसी को ज्ञात नहीं होता था।
ये कभी किसी ने देखा नहीं, किसी को समझ में आया नहीं। लोगों ने देखने की कोशिश बहुत की। द्वारका माई में बाबा की निजता भंग हो जाती थी और इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर बाबा ने वो पटला तोड़ दिया। अपने इंटेस्टाइन्स को, आंतों को वो निकाल करके, उनको कपड़ों से सुखा करके, साफ करके, सूखने के लिए पेड़ों की टहनियों पर डाल देते थे। इसको धौती क्रिया कहा जाता है योग में। अपने शारीरिक अंगों को बाबा अलग अलग कर लिया करते थे, उसको खंड योग कहा जाता है। ये सारे यौगिक क्रियाएं हैं। इसके आगे बाबा की मानसिक दृढ़ता का परिचय हमको मिलता है। बाबा ने जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो कांचन, कीर्ति और कामिनी, इनसे दूर रहते थे। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी कैद। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, उसको कीर्ति मिल जाती है, तो वो अपनी उस प्रसिद्धि की कैद में हो जाता है। उसी प्रसिद्धि के अनुसार उसको जीना पड़ता है, उसी प्रसिद्धि के अनुसार उसको रहना पड़ता है। और ये मान के चलिए कि साईं ने कभी कीर्ति का पीछा नहीं किया, उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का ढिंढोरा नहीं पीटा। किसी एक भक्त के सामने उन्होंने कैसे दूसरे भक्त का कायाकल्प किया ये नहीं बताया। कीर्ति तो ऐसे सत्पुरुषों को ढूंढते हुए आती है। साईं के पीछे कीर्ति आई, साईं कीर्ति के पीछे नहीं भागे। कांचन, वो दक्षिणा लेते थे लेकिन अपने लिए नहीं, उसका सदुपयोग कर दिया करते थे। शाम तक वही फिर जैसे थे वैसे के वैसे। बाबा तो गाते थे, फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। बाबा को प्रतिष्ठा का भी कोई मोह नहीं था। नानावली नाम का एक बाबा का भक्त था। भक्त कहें बल्कि वो तो बाबा को मामा कहता था। उसका असली नाम था शंकर नारायण वैद्य। लोग उसको बाबा का गुंडा कहते थे। वो अपने आप को बाबा की सेना का सेनापति समझता। कुछ लोग समझते कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन बाबा का मानना था कि नानावली के अंदर जरूर कोई बहुत पवित्र आत्मा है। जब बाबा शिरडी में पहली बार के बाद वापस गए और दूसरी बार आए, तो नानावली ने बाबा से कहा, अरे मामा तुम आ गए। वो कभी नग्न तो कभी अर्ध नग्न अवस्था में घूमता, कभी अपने गले में सांप लटका लेता तो कभी अपनी जेब में बिच्छू डाल लेता।
मस्त रहता। बाबा से इतना प्रेम करता कि बाबा के समाधि लेने के बाद उसने 13 दिन उपवास किया और बाबा की 13वीं के दिन उसने अपने भी प्राण त्याग दिए। यही नानावली 1911 या 12 की बात है, जब शिरडी में बाबा की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। शिरडी में बहुत भीड़ लगती थी, लोग पूजा की थालियां लेकर के, बाबा के लिए उपहार लेकर के, नैवेद्य लेकर के शिरडी में कतारबंद खड़े होते। एक दिन नानावली दंदनाता हुआ अंदर आया, सबको धक्का दे के तितर बितर करते हुए पूजा की थालियां गिर गई और उठ गया और सीधा मतलब बाबा के पास जाके बोला, ए चल उठ जा यहां से। बाबा अपने आसन पर थे, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक किया क्या हुआ नानावली को, कि नानावली ने कहा बाबा से चल उठ जा, तू खड़ा हो जा। बाबा भी बिना आना कानी किए खड़े हो गए। नानावली जाके बाबा के आसन पर बैठ गए। उसने बाबा से पूछा, क्यों नवाब, कैसे हो? क्यों नवाब, कैसे हो? बाबा ने कहा, एकदम मजे में। नानावली ने कहा, क्यों, वहां से दुनिया कैसी लग रही है? बाबा ने कहा, जैसे पहले लगती थी वैसे। यह सुनना था कि नानावली वहां से उठा और दौड़ता हुआ भीड़ में गायब हो गया। उसको समझ में आ गया था कि उसने क्या किया। अगर हमें अपने स्थान से कोई उठा दे, हम पसंद करते हैं कि अरे आप कथा में बैठे हैं और भीड़ हो गई है ज्यादा, और कोई आपसे कहता है सेवादार आकर कि भाई थोड़ा आगे सरक के बैठना, तो आप आंखें तरेर के उसकी तरफ देखते हो कि उसने पता नहीं कौन से जन्म का गुनाह कर दिया है। बड़ा बुरा लगता है, जबकि वो जगह तो हमारी है ही नहीं, हम तो कुछ देर के लिए वहां बैठे हैं। और जैसे कथा में वो जगह हमारी नहीं है, आज हम इस जगह बैठे हैं शायद कल हम उस जगह बैठेंगे, वैसे ही जीवन में हमारी कोई जगह तय नहीं है। ये जो पद प्रतिष्ठा मिली है ना, ये यहां नहीं घुस जानी चाहिए। हम सब नाव समान है, नाव बनती ही है कि वो पानी में रहे। मुश्किल तब होती है जब पानी नाव में आ जाता है। हम सब बने ही इसलिए हैं कि हम दुनिया में रहे। मुश्किल तो तब होती है जब दुनिया हमारे अंदर आ जाती है, मुश्किल तब होती है, परेशानी तब होती है। हम उस रेशम के कीड़े की तरह हो जाते हैं जो अपना जाल खुद बुनता है और अंत में जाल में फंस करके वहीं पे मर जाता है। अपनी ये सारी दुनियादारी हम बनाते हैं और उसी में जीते हैं, परेशान होते रहते हैं, जूझते रहते हैं। We unnecessarily try and grapple with the situations. We just cannot win over them. हम नहीं कर पाते, उससे छुटकारा नहीं पा पाते। जाल बुनना है ना, जाल बुनना है, बुनिए, लेकिन रेशम के कीड़े की तरह नहीं, मकड़ी की तरह, जो अपना जाल खुद बुनती है और उसमें से फिर निकल जाती है और जिंदा रहती है, फिर कहीं और जाल बुनती है। गुड़ पे बैठना है ना, तो ये समझ लो कि उड़ने का वक्त कब है। अगर गुड़ में पैर चिपक गए तो वहीं हरिओम तत्सत। जाल बुनना बुरी बात नहीं है, जाल में ठहरे रहना बुरा है।
योगीराज जो है वो उसकी व्याख्या बड़ी लंबी है उस शब्द की, ये कल भी जारी रहेगी। अक्सर हम लोग योगियों को सन्यासी मानते हैं और ये समझते हैं कि सन्यासी जो हैं वो बहुत उच्च श्रेणी के होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग करके चले गए। बाबा की लीलाओं से समझ में आता है कि सन्यास जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आदमी दुनियादारी से भाग गया वो क्या खाक इंसान है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, हिमालय की वादियों में जाकर के बैठ गया, बस गया, तो वो क्या खाक इंसान है। सोमदेव शास्त्री, सोमदेव करके एक बड़े सन्यासी थे, उनका जिक्र आता है। उत्तर काशी में वो काका साहब दीक्षित के भाई भाई जी को मिले थे। उत्तर काशी में जब मिले थे तो उन्होंने, काका साहब दीक्षित के भाई ने उनसे वादा किया था कि आप जब आएंगे मुंबई तो मैं आपको शिरडी लिए चलूंगा। वहां एक बहुत पहुंचे हुए संत रहते हैं। तो ये सोमदेव महाराज जो हैं ये घूमते घामते मुंबई आए, अब उनको साईं बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो जो काका साहब दीक्षित के भाई थे भाई जी, वो उनको बाबा के दर्शन कराने शिरडी ले गए। शिरडी से कुछ दूर पे उन्होंने देखा कि दो ध्वजाएं लहरा रहे मस्जिद के। अब सोमदेव जी जो थे उनको तो सन्यास का मतलब यही पता था कि सब कुछ छोड़ दो भाई, अब उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। उन्होंने संत का भी ऐसे ही सोचा कि ऐसा ही संत होगा जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया होगा। तो उनका मन वहां पे विचलित हो गया उन ध्वजाओं को देख करके। उन्होंने भाई जी से कहा कि भाई ये ध्वजाएं क्यों लहरा रही है। बोले तो बाबा की ध्वजाएं, ये कैसा संत है जो अपनी ध्वजा लहरा के अपनी प्रतिष्ठा का उदाहरण लोगों के सामने रखता है। भाई जी ने उनसे कहा कि भाई साहब आप तनिक शांत रहिए, आपने अभी सिर्फ ध्वजाएं देखी हैं, वहां आप जाएंगे पालकी देखेंगे, रथ देखेंगे, चवर डुलाते सेवक देखेंगे, चांदी के बर्तन देखेंगे, तो आपके मन में पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो मुझे ऐसे संत के दर्शन नहीं करना, वापस चलो। तब भाई जी ने उनको समझाया कि ये साई जो हैं ये सब अपने भक्तों के दबाव में उनको खुश रखने के लिए इन चीजों को सहेज करके नहीं रखते, बल्कि उनको वहीं पे रहने देते हैं, अपने उपयोग में नहीं लाते, उससे उनकी कोई ममता नहीं है। तब जाके सोमदेव जो है वो मस्जिद में आए। बाबा वही अपने फटे पुराने कपड़ों में बैठे हुए थे वहां पर। बाबा को इस हाल में देख करके सोमदेव के मन में बाबा के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा। बाबा ने उनको बुलाया और जोर से डांट लगाई कि यहां क्या करने आए हो तुम, हमारा सामान हमारे पास रहने दो, तुम चले जाओ यहां। अब सोमदेव को बाबा की त्रिकालज्ञता का अनुभव हुआ कि मैंने जो बात रास्ते में की थी उसका पता सहज बाबा को लग गया। बाबा ने उसको समझाया कि भोग जो है वो अपने आप में एक तपस्या है, भोग से भागना तपस्या नहीं है, भोग में रहते हुए उसका अनुभव करना लेकिन उससे सुख या दुख का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना, वो असल सन्यास है। ऐसी एक कहानी और आती है सन्यासी विजयानंद की। वो तभी शिरडी आए थे जब सोमदेव महाराज वहां पर थे। वो दरअसल भूटान जाना चाहते थे, मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते थे। बाबा ने ऐसी माया रची कि वो शिरडी होते हुए मानसरोवर की यात्रा पर निकले। वहां सोमदेव मिले, सोमदेव ने उनको बताया कि वहां कितनी बर्फ होती है, रास्ते में कितनी परेशानियां आती हैं,
भूटान वासियों का व्यवहार कितना परेशान करता है, ये सारी बातें सोमदेव ने विजयानंद को बताई। ये सोच करके उसी विजयानंद के मानसरोवर जाने के इरादे पर पानी फिर गया। उन्होंने यात्रा का प्रस्ताव निर्णय स्थगित कर दिया और शिरडी में रुक गए। शिरडी में थे कि उनके पास तार आता है कि उनकी मां बहुत बीमार हैं और उन्हें याद कर रही है। बाबा की अनुमति के बिना शिरडी से कोई जा नहीं सकता था। सोमदेव महाराज से पूछकर वो बाबा के पास दौड़े दौड़े गए स्वामी विजयानंद, और उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मेरी माँ बहुत बीमार है, ऐसा पता चला है, मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर है, वो ज़मीन पर बीमार है, ज़मीन पर है और उसके प्राण उसके कंठ में अटके हुए हैं, सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही है मेरे वहाँ पहुँचने पर उसके प्राण सुखपूर्वक निकल सकें। बाबा उस पर भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुझे घर गृहस्थी की इतनी ही चिंता परवाह थी तो तूने सन्यास क्यों लिया। इस तरह से बाबा किसी को सन्यास के लिए प्रेरित नहीं करते थे। वो कहते थे ममता का नहीं समता का भाव रखो, किसी भी चीज से विरक्त मत हो जाओ, अनासक्त हो रहो। इतने अनासक्त रहो कि यदि तुम पर दुख पड़े, दारुण से दारुण दुख पड़े तो तुम दुख का अनुभव ना करो। तुम्हारे पास दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन सुख हो तो तुम उस सुख के मारे हवा में ना उड़ने लगो। ये बाबा का कहना था। बाबा ने ऐसी न जाने कितनी रचनाएं रची अपने भक्तों को सन्यास के मुख से मोड़ा, उनके मन में संतुलन का भाव लाए और उनको सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित किया। आइए बाबा की इसी लीला को एक छोटी सी आदरांजलि देते हैं, जिसके माध्यम से सन्यास आसक्ति और अनासक्ति का भेद आपकी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल शाम 6:30 बजे पुनः हम बाबा की बातों को आगे ले जाने के लिए बाबा की मर्जी से ही एकत्रित होंगे। आइए तब तक सन्यास के और जीवन के राज को समझ के आज की कथा को विश्राम देते हैं। ये भोग भी एक तप ही तो है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तप ही तो है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचेता का होगा। रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, उस लोक में तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, भगवान से क्या मिल पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। अगर तुम इंसान को नहीं अपना सकते तो तुम भगवान से क्या मिल पाओगे। और अगर जिस चीज का भोग करना है तुमने उसका तिरस्कार कर दिया तो ये ऊपर वाले की शान में तुम्हारी खिलाफत होगी, उसका अपमान होगा। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं।
ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं, ये समाज के ठेकेदारों ने गढ़ी है। चोरी करना पाप है, लेकिन चोरी किए हुए धन से किसी गरीब के पेट को पालना, ये पाप नहीं है। तो ये परिभाषाएं जो हैं वो बड़ी रिलेटिव होती हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होती। ये परिभाषा हमेशा बदलती रहती है, धर्म हमेशा बदलता रहता है, धर्म के आदर्श बदलते रहते हैं। बदलना नहीं चाहिए तो हमारे मूल सिद्धांत, हमारे जीवन के मूल्य। धर्म की परिभाषाएं, पाप पुण्य की भाषाएं बदलती रहेंगी। और अंत में आपको समझना होगा, जो लोग संसार को छोड़कर भाग जाते हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है मैं मानता हूं, बाबा भी मानते हैं, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। जगत को आप झूठा फरेबी नहीं कह सकते। ये जगत है तो आप है, आपकी पहचान है, आपका परिवार है, जो आपका संबल है। आप संसार को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। तुम कहते हो ये जीवन झूठा, हम कहते हैं ये जीवन सच्चा। तुम कहते हो ये जीवन झूठा, हम कहते हैं ये जीवन सच्चा। हम कहते हैं ये जीवन सच्चा। हम जन्म कमा कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। हम जन्म कमा कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, उस लोक में तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, भगवान से क्या मिल पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। तो आज का श्री साईं अमृत कथा का पड़ाव ग्वालियर में पहला दिन, आप सभी सुधीजन बाबा के भक्तजनों के साथ कथा का आध्यात्मिक आनंद आया। कल ये सफ़र दोबारा जारी रहेगा। और याद रखिए कि एंटीबायोटिक का डोज जो है वो जितना डॉक्टर लिखता है पूरा का पूरा लेना पड़ता है। यदि हम उस डोज को मिस कर जाएंगे तो जितनी गोलियां ली हैं उनका असर शून्य हो जाता है। तो जैसे एक ज़माने में रेडियो प्रोग्राम्स में आता था, कल फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय। साईनाथ महाराज की जय। बाबा भली कर रहे हैं।